जय श्री राम मेरे भाइयों। आपने जैसा सुना होगा ना कि आज किसने कमेंट करा हमारे धर्म के ऊपर, जैसे वो सनातन को पूरा खत्म कर देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ बोला है और शायद आप लोग का ये सुनने के बाद ना बड़े रिलैक्स होंगे। यार हमें हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा ना आज कौन कॉल रहे सुनने के बाद, और ये पता है हमारे साथ क्यों होता है? बिकॉज हमारे धर्म के बारे में कुछ ही बोल दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, हम शांत बैठ जाते हैं। बिकॉज हम सोचते हैं इट्स ओके यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नहीं होने वाला। और दूसरा रीज़न हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, कई सारी जातियों में डिवाइडेड है। कोई पंडित है, कोई क्षत्रिय है, और आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, बाहर वाले को छोड़ो। अगर अंग्रेज भी आए थे ना, उन्होंने डिवाइड एंड रूल इसलिए बनाया कि भाई इन लोगों को एक काम कर तो आपस में ही बांट दो, जिसकी वजह से ना मतलब ये एकजुट ना रहे कभी। तो ना उस समय आ गया है कि सारे एकजुट हो जाए, अपने जाति अपने बाकी को साइड रख के। आपको बस यही याद रखना है कि आप हिंदू है, आप सनातन धर्म से, और ये बहुत ज़रूरी है आज। बिकॉज ये चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। और जैसा कि आपको पता है ना कि कश्मीर का क्या हाल हुआ, पूरा भारत कश्मीर बन सकता है अगर आप एकजुट ना हो। मैं आपको लड़ने को नहीं बोल रहा, मैं झगड़ने को नहीं बोल रहा, लेकिन अपने राइट्स के खड़े होने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी आपके धर्म और सनातन के खिलाफ उंगली उठाए ना, तो प्लीज़ वो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए या फिर उंगली तोड़ देनी चाहिए बेसिकली। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लिटरली बहुत अजीब सा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। मतलब लोग इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे। वो एक्चुअली मतलब सनातनियों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आखिरी मौका आ जाता, आखिरी पड़ाव आता ना, तब वो सोचते हैं, तब वो दिमाग चलाना चाहते हैं। लेकिन गाइस, जब आपको अर्ली स्टेजेस में कोई साइन मिल जाए ना कि कुछ गलत होने वाला है, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, कि कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टीज ना, दे आर मेकिंग प्लान फॉर दैट, और हमको तोड़ डालेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड अप, और नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज योर राइट्स। बिकॉज जो ये बोला गया, चाहे वो कहेंगे CM हो, चाहे PM हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने बोला है तो उसको पे करना पड़ेगा। और ये मोदी सरकार से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक्शन होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई नॉर्मल इंसान बोलता, मैं तो आपसे एक और बोलूंगा कि अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसी बातें करी जा रही होती तो आपको पता है कि दंगे हो चुके थे, पता नहीं क्या हो चुका। और हमारे धर्म को दंगा वाला बोलते कि हम धर्म करते हैं, हम सेफरेंट टेररिस्ट हैं ना, ऐसा बोला गया है ना। बिकॉज हमेशा शांत रहते हैं, हमें कुछ भी बोल देने के बाद हम चुप बैठ जाते हैं। बिकॉज ठीक है यार, इट्स ओके, बट नाउ गाइस ये टाइम आ गया है। और मैं आप हर एक बंदे से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखें, हर इस वीडियो को हर एक अपने फ्रेंड तक शेयर करें, हर किसी शेयर करें। बिकॉज अब हर एक हिंदू को इकट्ठा खड़ा होना है और एक साथ खड़ा होना है। हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी कौन सी जाति है, कौन सी क्या है, फलाना ठिकाना, हम सनातन धर्म से हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ दी जाएगी। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ। और गाइस, मेरे को ये सुनने के बाद ना मेरा खून खोल रहा कि भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ ही बोल के चले हो हमारे बारे में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे कुछ नहीं बोलता, बस ये बोलता हूँ कि आपस में ना ये भेदभाव करना बंद कर दो कि तू पंडित है, तू क्षत्रिय है, तू नीची जाति, तू बड़ी जाति। इनसे बाहर निकल के, इन सबसे ऊपर उठ के बस ये सोचना शुरू करो कि हम सारे सनातनी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मैसेज हर एक हिंदू और हर एक सनातनी तक जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप इतना शेयर करो ना कि एटलीस्ट जो मैसेज है ना, और एटलीस्ट इस तरह की हरकतें इंडिया में दोबारा ना हो गाइस। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये बार बार होता है, और हम बार बार देखने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, बट नॉट दिस टाइम। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस मैसेज को ना यार अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ, प्लीज। मतलब मुझे ये चीज़ देखने के बाद मुझे बहुत तकलीफ सी हो रही है, मैं आपसे क्या बताऊँ उसके बारे में आपको। और अगर आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं ना कि आप एक साथ सारे खड़े हो सकते हैं, ये जात पात को छोड़ करके भाई भाई की तरह खड़े हो ना, पढ़ा चलेगा। प्लीज़ इस मैसेज को हर किसी को शेयर करें, वीडियो को 1000 लोग तक शेयर करें, जितने को शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि अगली बार हम साथ खड़े हो तो हमारे में ये ना हो कि तू पंडित है, तू ये है, तू वो है, हम सारे सनातनी हैं। जय श्री राम भाई।